News Network, YouTube.com. सुषमा स्वराज का निधन, एम्स से घर लाया पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए रखा। स्पीड न्यूज। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। घबराहट होने की शिकायत के बाद रात 9 बजे उन्हें सुषमा स्वराज को एम्स अस्पताल लाया गया, जहां काफी प्रयासों के बाद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सुषमा स्वराज की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के कई नेता अस्पताल पहुंच गए। बाद में जब सुषमा की मौत की खबर मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच गए। देर रात तक एम्स इमरजेंसी के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। दिल का दौरा पड़ने से कुछ ही देर पहले सुषमा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था कि प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शायद यह उनका आखिरी ट्वीट होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद दूसरी विदेश मंत्री बनी सुषमा स्वराज बेहतरीन वक्ता होने के साथ साथ इस देश का जाना माना नाम था। सन 1998 में वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि महज 50 दिन में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप सभी को बता दें कि 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 के दौरान सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री रहीं। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने खूब ख्याति प्राप्त की। 7 बार सांसद और 3 बार विधायक रही सुषमा स्वराज ने 2019 में हुए आम चुनाव में इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। दरअसल 2016 में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, जिसके बाद उनकी सेहत खराब रहने लगी थी। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ऐसी थी सुषमा स्वराज जी, जो आज हमारे बीच नहीं रहीं।